मेरे सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सायली सारके और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, आज भारत को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं और मीरा भायंदर में जगह जगह खुशी का माहौल है। अभी हमारे साथ मौजूद है 145 मीरा भायंदर की विधायक गीता भरत जैन, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज जो है 78 साल पूरे हो गए भारत को आज़ाद होके, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज मेरे सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। आज के दिन हम उन सभी को नमन करते हैं जिनकी शहादत की वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला है। स्वतंत्रता आज हमारे बच्चों को शायद इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन 47 पहले का ये ज़माना था जब स्वतंत्रता मिलने का एक सभी का सपना था और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान सभी ने इसमें अपनी अपनी आहुति दी थी। आज का दिन है, मैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि आपकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। मैम, आज के मौके पर मीरा भायंदर की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मीरा भायंदर शहर की जनता को सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि विश्वास रखिए, जितना विकास हमारा मीरा भायंदर का हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ और ये विकासशील मीरा भायंदर एक उज्जवल भविष्य के लिए और बढ़ रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होने जा रहा है, सभी सुविधाएं यहाँ मिलने जा रही है और ये एक शहर ऐसा होगा कि यहाँ रहने वालों को मीरा भायंदर पे गर्व होगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ गीता भरत जैन। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है देश के सुपुत्र, जिन्होंने मीरा भायंदर का ही नहीं पूरे देश का भी नाम रोशन किया है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, जो है थर्ड टाइम जो है NCC के पार्ट में दिल्ली के लिए पार्टिसिपेट किए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? Ma'am, as we are celebrating 78th Independence Day, it reminds me of the unity and the better future of our nation which we are striving for. And jaise ki I was part of the National Cadet Corps, and this is a very prestigious camp, जो कि हर किसी का एक सपना होता है, RDC करना हर कैडेट का एक सपना होता है। तो I was fortunate enough कि मैं थर्ड ईयर में ये कर पाया and मेरे सीनियर्स को, मेरे पीयर्स को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया, मेरे ड्रिल से लेके हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर कर्नल नीलेश, कर्नल मुतप्पा, आर कंटिजेंट कमांडर, आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड आई वांट टू थैंक मैम फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मतलब इनके वजह से हमको वो जज्बा मिलता है कि हाँ, देयर इज़ समवन बिहाइंड अस, बैकिंग है किसी का, सो वी कैन गो ऑन। सो दैट्स ऑल। देश के युवा जो है, जो आपको देख के इंस्पायर होंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि देश को हमेशा पहले रखना। आपका कोई भी गोल हो, कोई भी फील्ड में हो, हमेशा आप क्लास 1 या फिर नंबर 1 के लिए एम कीजिए और अकाउंटेबिलिटी लीजिए अपने लिए, अपने देश के लिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए। हाँ, एंड फिर वो हो जाएगा फ्लो में, आई बिलीव। दोस्तों, ये थे हमारे साथ देश के युवा। दोस्तों, जो देश है, भारत देश है, हर एक धर्म जात से भरा हुआ देश है, हर एक धर्म जात के लोग यहाँ पे सुखी समाधानी से रह रहे हैं। आज 78वां स्वतंत्र दिन है, 78वां स्वतंत्र दिन मीरा भायंदर में जगह जगह मनाया जा रहा है। इस हर स्वतंत्र दिन के कार्यक्रम की हम लोग अपडेट देने की कोशिश आपको करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं सायली सारके, MB लाइव।